नमस्कार दर्शकों, हमारे हेल्थ सर्च प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते ही हैं, हमारा ये हेल्थ सर्च प्रोग्राम स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के लिए है और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को अस्पताल और डॉक्टर से रूबरू कराते हैं, जिससे हमारे दर्शकों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ मुहैया होती है। तो मिलते हैं डॉक्टर भैरवी जोशी से, जो कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड होम्योपैथी है। नमस्कार, मैं लोकेश, MNS न्यूज़ की हेल्थ सर्च में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए खामला रोड पे ऑरेंज सिटी स्क्वायर में ट्रिनिटी क्लिनिक, जो कि होम्योपैथी एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट है। तो जानेंगे डॉक्टर से क्या है इसके फ़ायदे और इसकी पूरी जानकारी हम अपने दर्शकों को आज दिलाएंगे। तो आइए हमारे साथ डॉक्टर से जानेंगे। तो जानेंगे डॉक्टर भैरवी जोशी से क्या है होम्योपैथी और कॉस्मेटोलॉजी। जी हेलो, नमस्कार, थैंक यू फॉर वेलकमिंग एट योर चैनल। और इसमें मैं बेसिक बताना चाहूँगी होम्योपैथी के अवेयरनेस के बारे में। अभी आप समझिए होम्योपैथी का बेसिक कंसेप्ट क्या है। यूजुअली हम कंसेप्चुअल सोचे तो हम पेशेंट को ट्रीट करने के लिए उनके माइंड, बॉडी और सोल पे कंसंट्रेट करते हैं और सिम्टम कलेक्शन उनका फिजिकल, मेंटल और उनका सोल कैरेक्टर, जिसमें उनके तासीर, उनका फैमिली हिस्ट्री, उनका पास्ट हिस्ट्री, वो सब फोकस करके हम लेते हैं और केस टेकिंग करते हैं। दूसरा, उसमें उनके इन्वेस्टिगेशंस और जो भी रिक्वायर्ड उन्होंने टेस्ट करवाए वो भी इंक्लूड करते हैं। पर बेसिकली कंसेप्चुअली मैं बताऊंगी कि होम्योपैथी इज़ समथिंग अबाउट द फिजिकल सिम्टम ऑफ पेशेंट, द मेंटल, द साइकिक सिम्टम एंड द सोल कैरेक्टर। दैट इज़ व्हाट होम्योपैथी मेक्स इट अ स्पेशल। एंड इसीलिए ये पैथी में एक ताकत है कि कोई भी डिसीज़ रूट या जड़ से उसको निकाल सकती है। तो जैसा कि डॉक्टर ने बताया, मैम आपने ये होम्योपैथी एंड कॉस्मेटोलॉजी का ही रास्ता क्यों चुना? सी, एक्चुअली मैंने फर्स्ट तो होम्योपैथी में स्टडी किया है। मेरा खुद का जो डिग्री है वो होम्योपैथी में है। मैंने काफ़ी साल होम्योपैथी, क्लासिकल होम्योपैथी में मैंने लोगों को ठीक किया, ट्रीटमेंट की है। पर जैसे जैसे आगे बढ़े तो आजकल लोगों को टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट है, उनका झुकाव उसमें है। उसके झुकाव के चलते ये पैथी को वो छोड़ना सोच रहे थे। तो आई थॉट के टू प्रमोट और ये पैथी को आगे ले जाने के लिए हम जैसे डॉक्टर अगर कॉस्मेट पार्ट या टेक्नोलॉजी इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये साइंस आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए मैंने उसको इम्बाइब किया और होम्योपैथी को टेक्नोलॉजी के साथ इंक्लूजन दिया, स्पेशली कॉस्मेट पार्ट में। कॉस्मेटोलॉजी ऐसी चीज़ है जहाँ बिना मशीन आप 100% रिजल्ट नहीं दे सकते। एक सिंपल सा बुखार का केस है, वहाँ कोई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। पर आप आजकल जो स्किन और हेयर का जो चीज़ है उसमें बिल्कुल 3-dimensional ट्रीटमेंट देनी है तो इंटरनल मेडिसिन, देयर शुड बी सम एप्लीकेशंस और मशीन्स और टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत रहती है। सो उसको आगे बढ़ाने के लिए आई थॉट देयर शुड बी रिसर्च इन्वेंशन एंड देयर शुड बी सम इंक्लूजन। सो मैंने उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी डाली और देन वो होम्योपैथी एंड कॉस्मेटोलॉजी के हिसाब से उभर के आया ट्रिनिटी क्लिनिक। बिल्कुल सही बात, दर्शकों को पता चल गई है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम, आज की युवा टेक्नोलॉजी के थ्रू मशीन्स देख के वो किसी हॉस्पिटल में नहीं जाना पसंद करती, बल्कि वो सलून या पार्लर में जाना पसंद करती है और फिर वहाँ से जो उनको इन्फेक्शंस, जो उनको दिक्कतें आती है, तो ऐसे भी कुछ पेशेंट्स आपके पास आते होंगे, तो आप उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं? जी,
एक्चुअली मैं यही एक मैसेज पहुंचाना चाहूँगी आज के द्वारा कि लोग आज तक कुछ भी स्किन में या हेयर में, अगर कुछ कॉस्मेटोलॉजी है तो सोचेंगे पार्लर में जाना है। ठीक है, फंडामेंटली बेसिक तक आप वो यूज़ करो, जाओ, पर जब आप इन्फेक्शन लेके आते हो तो आप हमेशा डॉक्टर के पास आते हो, क्योंकि एक डॉक्टर को जो बेसिक एनाटॉमी फंक्शन और जो बेसिक नॉलेज है वो लेके अगर वो कॉस्मेटोलॉजी करेगा तो कभी भी इन्फेक्शन के चांसेस और वो नहीं आते जो आम इंसान समझ नहीं पाता। तो मैं रादर ये कहूँगी कि आपको कुछ भी अपग्रेडेड ट्रीटमेंट स्किन और हेयर का करना ना है, यू शुड गो टू द फंडामेंटली टू डॉक्टर जो अप्रूव्ड है कॉस्मेटोलॉजी में, जिनमें स्किल्स है, जिनमें एक्सपीरियंस है। तो आप अपने तरफ के जो इन्फेक्शन के और दूसरे फर्दर कॉम्प्लिकेशन के जो चांसेस रहते हैं वो आप अवॉइड कर सकते हो। और उसके अलावा भी ये भी पॉइंट रहता है कि कोई भी चीज़ अगर आपको गहराई से नहीं मालूम, कोई भी साइंस का, जैसे स्किन की गहराई एनेट एंड फिजियो नहीं मालूम, जो पार्लर में ऑब्वियसली नहीं मालूम होगा, तो कैसे वो लोग कर सकते हैं? लेज़र मशीन छोटी चीज़ नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। उसके अलग से उसकी डेप्थ है, हाउ इट फंक्शंस, उसकी वेवलेंथ कैसे नापी जाती है, आप स्किन कैसे एनालाइज करते हो, हेयर कैसे एनालाइज करते हो, वो एक इन डेप्थ सब्जेक्ट है, इट कैन नॉट बी डन ऑन सुपरफिशियल लेवल। सो इसमें एक अप्रूव्ड एंड स्किल्ड डॉक्टर ही कर सकता है, और वो ही प्रिफर करना चाहिए या चूज़ करना चाहिए लोगों को। तो देखिए, डॉक्टर से जानिए कि सलून या पार्लर में जाने से क्या इन्फेक्शन होते हैं। तो हमेशा आप डॉक्टर के पास ही जाइए, उनसे अच्छी सलाह लीजिए। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि बालों का झड़ना जो पहले बुज़ुर्गों को होता था लेकिन अब बच्चों को भी होने लगा है, तो ये बालों का झड़ना, ये सब प्रॉब्लम्स, ये किस वजह से हो रही है? जी, आज के ज़माने में ये मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है शायद हमारे लिए भी। देखिए, पहले का जीवन बहुत सिंपल था, चीज़ें सिंपल थी, डिमांड्स भी कम थी, एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आज के ज़माने में अभी ऐसा है कि एक छोटा बच्चा भी है, उसके खुद के अरमान रहते हैं, उसके खुद की एक्सपेक्टेशन रहती है, मिड एज में तो और प्रेशर, स्ट्रेस, हार्मोनल डिस्टर्बेंस, लाइफस्टाइल, दिस आर मोस्ट फाइव प्रोमिनेंट थिंग विच इज़ अफेक्टिंग द हेयर फॉल। उसके कारण डाइट में भी वेरिएशन आता है, आपके हार्मोन्स भी बिगड़ेंगे। अर्ली बच्चों में मैच्योरिटी होने से वो अपने आप को बिल्डअप करने के बजाय फैशन में ड्रैग ऑन होते हैं और गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिनका उनको नॉलेज ही नहीं है कि कितने सतह पे उनको नुकसान कर सकता है। सो इसीलिए आप पार्लर में जाओगे तो ये सब चीज़ों का आपका राय या वो इन डिटेल आपको कोई समझाएगा नहीं। व्हेन यू आर टू डॉक्टर, वी ट्रीट ए पेशेंट पर वी डू काउंसिल अ पेशेंट। हम हेयर फॉलिंग का सिंपल केस ऐसे नहीं रहता कि दवाई दे दी, आपको कोई सर्विस बेस्ड ट्रीटमेंट दे दी। वी डू काउंसिल कि आप बच्चे का पूरा हिस्ट्री लेते हो, क्योंकि दैट इज़ ए पार्ट ऑफ होम्योपैथी। कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, आपके क्या क्या स्ट्रेस फैक्टर हैं, आपका फिजिकल क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शन है, साइकिक ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, कहीं ना कहीं एरर दिख ही जाता है। एंड व्हेन वी काउंसिल ऑन मेडिसिन पार्ट, ऑन आवर ट्रीटमेंट पार्ट, और होम्योपैथी ऐसा फील्ड है कि देर आर सर्टन मेडिसिन जो साइकिक पे भी काम कर सकता है, देर आर सिंगल डोजेस जो मिरेक्युलसली काम करते हैं कि किसी का साइकिक नेगेटिव जा रहा है, आप सिंगल डोज लो वो नेगेटिव नहीं जाएगा, जिसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट उसको हेयर फॉलिंग या स्किन या ओवरऑल भी मिलता है। सो इट एक हेयर फॉलिंग का केस आता है पर वो दो तीन दूसरी चीज़ें लेके जाता है। इट इज़ जस्ट नॉट हेयर फॉलिंग, दिस इज़ द आर्ट ऑफ होम्योपैथी, कॉस्मेटोलॉजी आई वुड रादर से। ये हॉर्मोन्स चेंज होने से भी होता है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हॉर्मोन्स बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप खुद ही सोचो कि एक बच्चा बच्चा है पर उसमें हॉर्मोन का प्ले शुरू हो गया तो वो बच्चा बड़ा हो गया। सो दिस इज़ अ मैजिक ऑफ हॉर्मोन जो नॉर्मली एक बच्चे को एडल्ट बना देता है। तो उसमें कितनी ताकत है एक फिजिक वर्सेस माइंड को बदलने की, वही ताकत उसको नहीं संभाला तो बिगाड़ने की भी रहती है। अगर उस वो पैनल नहीं संभली तो जो चीज़ आपको यूथ देती है, आपको कलर्स देती है, वो और ज़्यादा गलत इम्पैक्ट भी देगी, जैसे फिजिकली डिप्रेशन देगी, हेयर फॉल देंगी, स्किन में एक्ने देगी ऑन फिजिकल लेवल। ऑन मेंटल लेवल इट कैन गिव मेनी नेगेटिव इम्पैक्ट्स। सो
हॉर्मोन्स हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन हेयर एंड स्किन और मेनी पार्ट्स ऑफ बॉडी, माने थायराइड देखो, PCOD देखो, मेनी फीमेल प्रॉब्लम, सारे जो हम होम्योपैथी वाइज ट्रीट करते हैं उनका बिल्कुल लेना देना है हॉर्मोन्स। तो देखिए दर्शकों, अभी हमने जाना हेयर फॉल्स के बारे में, अब हम जानेंगे स्किन के बारे में, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है एक्ने। हमें डॉक्टर बताएंगे कि एक्ने किस वजह से आती है और सलून में या पार्लर में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ये डॉक्टर से ही सलाह लेनी चाहिए। बताइए मैम। जी, आप फंडामेंटली पहले ये समझिए कि एक्ने चीज़ क्या है। इट इज़ जस्ट स्किन पे कोई इन्फेक्शन आ गया। क्यों आया? इन्फेक्शन तो आया पर क्यों आया? कोई चीज़ अंदर भी बैडली प्ले कर रही है, बाहर भी बैडली प्ले कर रही है। अगर बाहर गलत तरीके से प्ले कर रही है, अपन ने कुछ ऑइंटमेंट लगाया, दवाई दी, हो गया, पर बार बार क्यों हो रहा है, उसका कोई आंसर नहीं दे पाता। इवन एलोपैथी में भी वो आंसर नहीं है। बट अगर एक्ने का बार बार रीअकरेंस हो रहा है तो एक साइकिक में एक प्ले होता है, जो कई बच्चे रहते हैं ओवरली दे आर इंडल्ज इन मैनी एक्टिविटीज़, रात का जगना, फैटी फूड, स्ट्रेस का होना और बहुत ज़्यादा अपना इंडलजेंस रहता है, मुझे लाइफ में ये करना है, वो करना है, उसको करना है और कर सकता है, उसमें बहुत बड़ी गैप होती है। जब भी वो बहुत बड़ी गैप होती है, आपका बॉडी कुछ टेक ओवर करेगा और अपने वीकनेस के हिसाब से टेक ओवर करेगा। तो अगर आपकी स्किन की प्रोननेस है तो आपको रिकरिंग एक्ने में जाओगे। टेम्पररी आप ठीक है, आपको दवाई लगाए ऑइंट में आप ठीक हो जाओगे, पर अगर परमानेंटली घड़ी घड़ी हो रहा है तो उसका समवॉट देर इज़ अ डीपर कॉज विच वी ग्रैप एंड वी ट्रीट ऑन मेडिसिन लेवल, एप्लीकेशन लेवल और कॉस्मेटोलॉजी के हिसाब से हम मशीन्स भी यूज़ करते हैं उसको परमानेंटली। वी डू काउंसिल, क्यों हो रहा है तुमको, क्यों तुमको बार बार, तुम अपने आप को समझो। होम्योपैथिक एंड कॉस्मेटोलॉजी, अब जानेंगे इसके ट्रीटमेंट के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। सी, मैं ओवरऑल ये बोलूँगी कि अकेला कॉस्मेटोलॉजी शायद नुकसानदायक हो सकता है, पर एक डॉक्टर की आर्ट और उसकी समझ शक्ति पे है कि वो कैसे दोनों को मिलाए, कितनी हद तक मिलाए और अपने पेशेंट के गुडविल के लिए कितनी हद तक उसको आगे लेके जाए। अगर किसी डॉक्टर को कमर्शियली देखना है तो वो कोई भी एंगल में सिर्फ कॉस्मेट कर सकता है, पर अगर एक पेशेंट का वेलविशर और उसको गहरी तरह से समझना और उसको परमानेंट सल्यूशन देना, वो एंगल एक डॉक्टर में होना चाहिए। ह्यूमैनिटी का प्लेन होना चाहिए कि आप सिर्फ कमाने नहीं बैठे हो, आप एक ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे पेशेंट का भला देख रहे हो, आप अपना नहीं पर पेशेंट का भला देख रहे हो। तो मेरे हिसाब से होम्योपैथी परमानेंसी में मानता है, तो आई यूजुअली ट्रीट होम्योपैथी मेडिसिन एप्लीकेशन और कॉस्मेट का जितना ज़रूरी है उतना इंक्लूजन में लूँगी और मैं उस पेशेंट के काउंसलिंग और उसकी अवेयरनेस पे ज़्यादा ध्यान दूंगी, क्योंकि बार बार होने से चीज़ें पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैंने ट्रीटमेंट ली, हो गया, वो एक होम्योपैथी और कॉस्मेटोलॉजी से ट्रीट हो जाता है, पर आप काउंसलिंग और अवेयरनेस से वो उसका मूल रूट समझोगे तो वो चीज़ होगी ही नहीं। सो यूजुअली मैं दोनों का इंक्लूजन, पेशेंट टू पेशेंट, केस टू केस और एक डॉक्टर से ज़्यादा पेशेंट के वेल विशर के उसके भले के लिए क्या ज़रूरी है वो मायना तय करके मैं ट्रीटमेंट देती हूँ। अब दर्शकों को हमारे डॉक्टर बताएंगे कि होम्योपैथी जो क्यूरेटिव है लेकिन प्रिवेंटिव भी है, इसके बारे में हमें जानकारी देंगे। जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि होम्योपैथी क्यूरेटिव तो है ही है। क्यूरेटिव का मतलब है कि कुछ भी डिसीज़ हुआ वो पेशेंट लेके आया और हमने उसको डायग्नोस किया और वो डिसीज़ से बाहर निकाला, उसको बोलते क्यूरेटिव। तो वो तो है ही, सालों से, बरसों से, जब से ये पैथी निकला है। बट प्रिवेंटिव भी है, जो बहुत सारे लोगों को या पेशेंट को नहीं मालूम। प्रिवेंटिव माने जो चीज़ नहीं हुई है उसको पहले से अपन कैसे रोके। फॉर एग्ज़ाम्पल, पिछले कुछ दौर में चिकनगुनिया, डेंगू, ये सारी जो बीमारियां हुई थी उसमें होम्योपैथी ने बहुत अच्छा योगदान दिया था। एक जन को चिकनगुनिया है तो दूसरा डरता है मेरे को हो जाएगा। उस दौरान अगर आप प्रिवेंटिव मेडिसिन होम्योपैथी की लेते हो तो आप वो चीज़ आने से
रोक सकते हो। सेम फॉर डेंगू, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हीट स्ट्रोक रहता है, सन स्ट्रोक रहता है, छोटे बच्चे बाहर धूप में जाके हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक लेते हैं और बीमार पड़ जाते हैं, उसका भी प्रिवेंटिव मेडिसिन है कि समर्स में आपने पहले से ले लिया तो आप उसमें से गुजरोगे ही नहीं। सो प्रिवेंटिव बहुत अच्छा मोड है, स्पेशली बच्चों के लिए, कि बच्चे घड़े घड़े स्कूल जाते, स्कूल खुला, स्कूल में गए, बीमार पड़ना शुरू किया, अगर पहले से ही आपने चाइल्ड इम्यूनिटी के ऐसा कोई उनको मेडिकेशन दिया है, वो बीमार ही नहीं पड़ेंगे, उससे माँ बाप को या फैमिली मेम्बर को बहुत राहत रहती, इंसान को राहत रहती है। बीमारी पड़ने में 3 दिन की बीमारी, आपका 15 दिन जाएगा बीमारी से रिकवर होने में। पर प्रिवेंटिव ऐसा मोड है कि पहले से लिया तो बीमारी नहीं होती, तो इंसान बॉडी माइंड और उसका समय हर तरह से वो बच जाता है। सो दिस इज़ ए वेरी माने उपयोगी चीज़ है प्रिवेंटिव मोड होम्योपैथी का, जो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, लोगों को उसकी अवेयरनेस नहीं है। हम वो लेवल पे बहुत कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तभी लोगों को अवेयर करते हैं, पेशेंट को और मास को ये चीज़ पहुँचाने की कोशिश भी करते हैं। तो ये बच्चों के लिए कहाँ तक और कितना फ़ायदेमंद है? बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, मेरा ये मानना है। मेरी इतने सालों की, मेरी 18 ईयर्स की प्रैक्टिस में मैंने ये देखा है कि बच्चों में ये सबसे कम टाइम में बच्चों को खड़ा करता है, क्योंकि बच्चे बहुत इनोसेंट और निर्दोष रहते हैं, उनमें कोई भी नेगेटिव प्ले मन और शरीर का शुरू नहीं हुआ है। आप एक सिंगल डोज दो, वो 2 दिन में क्या कुछ चंद घंटों में खड़े हो जाएंगे, जो एक बड़ा नहीं होता है। तो बच्चों के लिए तो बहुत ही उपयोगी है, उनका शरीर बहुत जल्दी एडप्ट करता है। और आज इतने सालों के प्रैक्टिस में जिन जिन बच्चों को मैंने टोडलर एज या इन्फेंट ग्रुप में दिया है, आज वो एडल्ट एज में आ गए हैं, तो उनका इम्यूनिटी दूसरे बच्चे जो दूसरी मेडिसिन या दूसरी पैथी में, उनसे बेटर हम फील करते हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ के बच्चे हैप्पीली लेते हैं, क्योंकि ये मीठी मीठी गोलियाँ हैं, तो वो सामने से पेरेंट्स से मांगेंगे, लेंगे, विरोध नहीं करेंगे, थूकेंगे नहीं, फेंकेंगे नहीं, तो माँ बाप के लिए भी बड़ा आसान हो जाता है। और उनकी चाइल्ड इम्यूनिटी एक हमारा एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने मेरे क्लिनिक में डाला है, कि आप चाइल्ड इम्यूनिटी एज ए प्रिवेंटिव या रेगुलर मोड में भी लो, उसकी किट्स हम विलेज तक भिजवाते हैं, कि आपको उसमें से कुछ भी हुआ, आप उसमें से लिए तो आप बच्चा चंद घंटों में खड़ा हो जाता है। सो बच्चों के लिए तो ये अक्सीर है, माने कोई डाउट ही नहीं है। मुझे बच्चे का टारगेट करना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि एक बच्चा अगर सही है तो पूरी फैमिली आगे जाके वो चीज़ में कंफर्टेबल रहती है, और वो बच्चे में अगर उसके प्रति फेथ है तो आगे जाके वो अपनी खुद की फैमिली को वो फेथ पास करेगा। तो देखा आपने, बच्चों के लिए इतनी अच्छी पैथी का यहाँ इलाज ट्रीटमेंट डॉक्टर ने हमें बताया। तो अब हम मैडम से जानेंगे कि बच्चों के लिए कौन सी बीमारियाँ हैं जहाँ ये होम्योपैथी काम में आता है। जी, मैं इसमें बताना चाहूँगी कि आम सर्दी बुखार खांसी वो प्रोविज़न तो है ही है, पर ऐसी कई बीमारियां हैं जिसमें होम्योपैथी का बहुत आगे बढ़ के रोल है, जैसे कि डिसलेक्सिया है, बहुत ही हाइपर एक्टिव चाइल्ड जो रहते हैं उनका माने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स रहता है, बिहेवियरल डिसऑर्डर रहता है, उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद है। बेड वेटिंग ऐसी चीज़ है कि आप कितना भी मेडिकेशन कर लो वो नहीं अटकेगा, क्योंकि वो साइकोसोमेटिक डिसीज़ है, उसमें भी वो बहुत अच्छे से काम करती है। माने बहुत सारे ऐसे बच्चों के प्रॉब्लम्स रहते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहते हैं, उसमें इसका बहुत अच्छा योगदान है। स्पेसिफिकली होम्योपैथी का एक ब्रांच है जिसको बैच फ्लावर रेमेडीज़ बोलते हैं हम। बैच फ्लावर रेमेडीज़ प्योरली साइकोलॉजिकल केस में काम करती है और साइकिक पे ही काम करती है। जो बच्चे बिहेवियरल प्रॉब्लम या डिसलेक्सिया या डिसकैल्कुलिया या कुछ भी ऐसी चीज़ों में, वो बैच फ्लावर रेमेडीज़ और उसका प्रिस्क्रिप्शन बहुत ही अच्छे से उनको रिजल्ट देता है, जो होम्योपैथी में ही प्रोविजन है। तो अब जानेंगे दर्शकों, जानलेवा बीमारियों में होम्योपैथी कितना योगदान करता है। जी, इसमें मैं आपको कहना चाहूँगी कि होम्योपैथी अगर जानलेवा बीमारियों में काम करता है तो वो वर्जन को हम बोलते पेलिएटिव थेरापी। पेलिएटिव थेरापी मीन्स कोई पेशेंट है जो हमको मालूम है कि डेड
थ्रेटनिंग डिसीज से पीड़ित है, फॉर एग्जांपल सिरोसिस ऑफ लिवर का लास्ट केस, या कैंसर का लास्ट केस, या किडनी फेलियर का लास्ट स्टेज जो रहता है, उसमें पेशेंट बहुत दर्द से गुजरता है, बहुत तकलीफ पाता है, उसमें हम राहत दे सकते हैं। दूसरा कि उनका जो तकलीफ है वो तो कम होगी, पर उसके साथ साथ उनको ये ट्रीटमेंट से फिज़िकल लेवल पे भी सिम्टम कम होते हैं। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि किडनी फेलियर का हमारे पास जो केसेस रहते हैं, अभी वो एलोपैथी तो ट्रीटमेंट ले रहा है, उसका कोई इलाज नहीं रहता है एलोपैथी में, दे जस्ट सपोर्ट देते हैं, डायलिसिस करते हैं। आज किडनी फेलियर पेशेंट को हो गया है, यूजुअली 100% दोनों किडनी फेल हो गई है, तो उसको डायलिसिस कंपलसरी हो जाता है, उसको रोज भी करना पड़े या ऑल्टरनेट डे, डिपेंड कि उसका फेलियर रेट कितना है। उसमें अगर पेशेंट को जैसे ही समझ में आया कि ऐसा कुछ है, अलॉन्ग विथ वो सपोर्टिव थेरापी अगर वो होम्योपैथी सिलेक्ट करता है, तो उसकी डायलिसिस की जो अवधि है वो अगर पेशेंट की हर रोज़ रोज की है तो वो एक दिन की आड़ की हो जाती है, या 8 दिन में एक बार की हो जाती, इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और वो फ़र्क से पेशेंट को काफ़ी राहत पड़ती है, किस हिसाब से कि एक तो फाइनेंशियल, सेकेंड वो खुद एक डायलिसिस बहुत झेलने वाली प्रक्रिया है, समय, पैसा और तकलीफ, 4-5 घंटे का प्रोसीजर है जो एक आम आदमी के लिए सही में बहुत डिफ़िकल्ट है, तो उसमें उसको बहुत राहत मिल सकती है। लाइफ थ्रेटनिंग वैसे कैंसर है, अगर अर्ली पार्ट ऑफ कैंसर में पेशेंट आया है तो हम उसको बचा भी सकते हैं। लेट स्टेज में हम यूजुअली पेलिएटिव थेरापी देते हैं कि उसका शांति से निवारण हो, या वो बिना तकलीफ के वो अपनी लाइफ को बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ में सस्टेन कर सके। सो पेलिएटिव का हमारा यही कंसेप्ट रहेगा कि जो थ्रेटनिंग डिसीज है उसमें उसकी जितनी भी लाइफ है, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ हम कैसे बेटर बनाएं हमारे ट्रीटमेंट के द्वारा, ये हमारा मुद्दा रहता है। इसकी लेज़र मशीन्स हैं और ये मशीन में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, इससे हम जो ट्रीटमेंट देते हैं वो स्किन वाइटनिंग, पिगमेंटेशन, रीजेनरेशन, टैटू रिमूवल, एक्ने रिमूवल एंड मोस्ट डिमांडेड हेयर रिडक्शन, जो आजकल यूथ को बहुत ही वांटेड रहता है। फुल बॉडी पार्ट्स कवर करते हैं हम लोग, इससे कुछ कवर करता है ये हमारा मशीन। तो देखा दर्शकों आपने, ऑरेंज सिटी स्क्वायर में ट्रिनिटी क्लिनिक में हमने डॉक्टर से बात की और हमारी जनता को बताया कि उनकी बीमारियों से लड़ने के लिए आप सलून या किसी पार्लर में ना जाए, कोई भी छोटी मोटी बीमारी के लिए आप सीधा डॉक्टर के पास जाए। तो ऐसे ही अलग अलग प्रोग्राम से हम आपको डॉक्टरों से मिलवाते रहेंगे ताकि आप स्वस्थ रहे। तो दर्शकों आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम, आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। तब तक के लिए धन्यवाद।